यूपी उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर बीजेपी की बंपर जीत हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा निरहुआ की जीत की हो रही है, क्योंकि निरहुआ ने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव के दुर्ग को जीता है। और इस जीत के बाद निरहुआ की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी चर्चा हो रही है, ये रिपोर्ट आप देखिए। स्मृति ईरानी की राह पर दिनेश लाल निरहुआ, अमेठी के फॉर्मूले से आजमगढ़ पर किया कब्जा। आजमगढ़ जो कभी होता था अखिलेशगढ़, लेकिन अब निरहुआ का गढ़ हो चुका है। निरहुआ ने सपा के खेमे में टेंशन बढ़ाते हुए एक शानदार जीत दर्ज की, लेकिन साथ ही चर्चा इस बात की हो रही है कि आजमगढ़ में अमेठी का फॉर्मूला काम आ गया। जैसे आजमगढ़ में बीजेपी की जीत आसान नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही अमेठी में भी राहुल गांधी को हरा पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन साल 2014 में करीब 1,00,000 वोटों से हार के बावजूद भी स्मृति ईरानी ने अमेठी को नहीं छोड़ा। वो तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, जब उन दिनों अमेठी में उनके किसी करीबी की हत्या हुई तो उन्होंने अपने कार्यकर्ता की अर्थी को कंधा दिया था। उनके इस कदम की काफी सराहना सोशल मीडिया पर हुई थी। अमेठी में स्मृति ईरानी की चुनावी फॉर्मूला, 2014 में राहुल गांधी के सामने हुई करारी हार, हार के बाद भी अमेठी में डटी रही स्मृति ईरानी, कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर की मेहनत, जनता के साथ जनसंपर्क बढ़ाया, उनकी समस्याएं सुनी, जनता की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करवाना, राहुल गांधी की कमियों को जनता के सामने उजागर करना। 2014 में 1,00,000 की हार को 2019 में 55,000 से जीत में बदला। इसी रणनीति के बलबूते स्मृति ईरानी अमेठी की जनता को अपने पक्ष में करने में सफल रही। और जब इम्तिहान की घड़ी आई तो 2019 में राहुल गांधी अपनी हार को भांपकर पहले वायनाड का रुख कर चुके थे। लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के दुर्ग को फतह किया। निरहुआ को भाया स्मृति ईरानी का फॉर्मूला। 2019 में अखिलेश के सामने चित्र हुए निरहुआ, करारी हार के बाद भी निरहुआ डटे रहे आजमगढ़, कार्यकर्ताओं में फूकी जान, स्थानीय जनता से बढ़ाया जनसंपर्क, अखिलेश यादव की कमियों को किया उजागर, 2022 उपचुनाव में सपा के दुर्ग पर किया कब्जा। इसलिए ये माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी के फॉर्मूले पर चलकर ही निरहुआ ने ये जीत हासिल की है। तो वहीं ट्वीट में जब निरहुआ ने स्मृति ईरानी का आभार जताया तो स्मृति ईरानी ने भी जवाब में ट्वीट करते हुए लिखा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अभिनंदन निरहुआ, जीत बधाई। तो वहीं आजमगढ़ के उपचुनाव में ना सिर्फ निरहुआ की मेहनत की जीत है, बल्कि जानकारों का तो ये भी मानना है कि अगर अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाते, अपने कैडर वोटर्स और स्थानीय जनता से मिलते तो पार्टी का इतना बुरा हाल ना होता, क्योंकि 2019 में उन्हें 6,00,000 से ज्यादा वोट मिले थे। और अगर गुड्डू जमाली को मिले वोट भी सपा के खाते में जोड़ लिए जाए तो भी विपक्ष को पड़ने वाले वोटों का आंकड़ा 6,00,000 तक नहीं पहुंचता। इस लिहाज से बीजेपी के खाते में सपा को वोट भी गया है, तभी निरहुआ की जीत भी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।